हेलो एवरीवन। तो अब मैं उठ चुकी हूँ और तबीयत तो खराब है, लेकिन आराध्य का बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करना है और एक दिन ही लेट सही, पर बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है। तो बस फिर अब उठ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक हूँ अभी। तो बस अब आ चुकी हूँ बाहर हॉल में और किचन का हाल बताऊँ तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि अपने बगैर कौन करेगा, लेकिन हाँ चलो जो भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ डेकोरेशन किया है इन्होंने, तो बहुत अच्छे किया है। और ये देखिए यहाँ पर बैठे हैं, हाय आस्था, आस्था एंड आरोही। और यहाँ देखिए हमारा आराध्य, हेलो आराध्य, हमारा आराध्य जो रो रहा था। तो बस मैं अभी उठ चुकी हूँ, अब अभी साफ सफाई नहीं की है कुछ भी, तो अभी साफ से बलून्स पे नहीं बैठ रही हूँ, बेड पे तो बैठ जाऊँ, मोबाइल भी पकड़े जाता है मैं सच बताऊँ तो, हाथ इंजेक्शन लगा है मोबाइल आराम से बैठा, मोबाइल नहीं पकड़ पाते हैं हाथ में। तो ये देखिए ये डेकोरेशन चल रही है, पापा को लोग उठा के अंदर रखते हैं, अंदर वाले पापा नहीं रहे हैं, तो सभी परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। तो थोड़ा सा आज हम भले लेट सही, लेकिन हाँ अभी थोड़ी सी डेकोरेशन चल रही है अभी, हाँ हाँ गिरा दिया था उसको, अभी टाइम लगेगा तो थोड़ा सा आराध्य का मन भी रह जाएगा। और ये देखिए इनकी तीनों की मस्ती तो चलती रहती है, ये देखिए। और ये बताऊँ आपको तो ये देखिए, अरे अच्छा तो ये देखिए, ये छोटी रह गई है, वो बड़ी हो गई है उधर, वो 5 साल छोटी है उससे, लेकिन वो बड़ी हो गई है, छोटी की छोटी रह गई है। तो बस अभी उठ रही हूँ, अब थोड़ा सब्जी वगैरह मैं काट के दूँगी और आस्था बनाएगी कुछ, देखते हैं क्या बनाता है, क्या कुछ नहीं साफ करने बोल रही हूँ, हाँ अभी करते हैं साफ। तो अभी बस करते हैं हम, जैसे भी बच्चों से करवाएंगे हम जैसे भी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब कुछ होगा जैसे जैसे होगा, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत ही करेंगे जैसे भी होगा। तो ठीक है, तो बस अब जो पनीर है उसको मैरिनेट कर दिया है पहले, इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब मैदा डाल दिया है और मिर्च और नमक डाल दिया है और उसको हल्का सा पानी डाल के मैरिनेट कर दिया है अच्छी तरह से। अब तेल भी गर्म हो चुका है और जब तक तेल गर्म होता है तब तक हमारे पनीर है वो भी अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। और साथ ही मैं दिखा रही हूँ आपको सब्जियाँ, ये देखिए शिमला मिर्च है खूब सारी है, आस्था दिखा रही है वैसे और वही कर रही थी, और प्याज है खूब सारा। और बस अब तेल भी गर्म हो चुका है तो जो ये पनीर है इनके पीसेस को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, तो ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर ताकि ये फ्राई हो जाए। देखिए ये हो चुके हैं हल्के ब्राउन हो चुके हैं और जल्दी पक जाते हैं, तेल गर्म था तो बस मैंने टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर रख दिए थे, थोड़ा सा ऑयली होता है तो उसके ऊपर रख दिए थे। और सच में बताऊँ तो मैं अकेले नहीं थी, आस्था थी हेल्प करने वाली, वो कर लेती है खुद, तो बस थोड़ा सा वो मैंने उसकी हेल्प करी साथ में आराध्य के लिए। तो बस अब ये देखिए ये तो मैंने हमने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन साथ ही मैं अब कढ़ाई में लगा दिया तेल, अब जो सब्जियां हैं उसको पका लेंगे। तो उसमें डाल दिया जीरा पहले, प्याज और जो शिमला मिर्च काट के रखी थी वो, और हरी मिर्च अदरक जो आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो इसमें। तो थोड़ी देर इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से और फिर इसमें हम डालेंगे आगे जो सोया सॉस और टोमेटो सॉस होगा तो वो डालेंगे अभी। तो अभी इसको थोड़ी देर पहले पकने देंगे।
तो अब देखिए ये लगभग पक ही चुका है, तो बस इसमें मैं अब ऐड कर दूंगी सोया सॉस एक चम्मच के करीब, और साथ ही मैं टोमेटो सॉस भी इसके अंदर ही जाएगा, 1 से 2 चम्मच टोमेटो सॉस जाएगा इसके अंदर। तो बस इसको साथ साथ में पकने भी दे रही हूँ, और साथ में इसमें जो मसाले हैं वो भी डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने इसमें टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, और बस इसको थोड़ी देर पकने के बाद अब इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने पनीर फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर डाल दूंगी, और बस हमारा चिली चीज़ हो जाएगा रेडी। और काफ़ी इजी भी है बनाना, लेकिन बस जल्दी जल्दी बन जाए तो ठीक है। तो ये देखिए बन चुका है हमारा चिली चीज़, और काफ़ी यम्मी लग रहा है, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरी तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन हाँ बच्चों के लिए मैंने बना के रख दिया था। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बच्चे बोल रहे हैं अच्छा बना है। तो ये ड्राई हैं, लेकिन शाम को पतिदेव आएंगे तो थोड़ा सा उसमें ग्रेवी डाल के मैं चपाती के साथ उसको बना दूंगी। तो हमारा चिली चीज़ हो चुका है तैयार। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे ये देखिए कढ़ाई में चिली चीज़ बन चुका है, और आराध्य भूल ही रहा था कि चिली चीज़ बनाना, तो चिली चीज़ बन चुका है, और बस अब सारा काम लगभग हो चुका है। आस्था ने बनाया, मैं थोड़ा थोड़ा इसको बताया, वैसे इसको भी आता है बनाने के, लेकिन मैं इसकी थोड़ी हेल्प करने के लिए किचन में थी। तो बस अब चिली चीज़ बन गया है, अब केक काटेंगे और चिली चीज़ है वो चिली चीज़ खाएंगे। तो आराध्य बोल रहा था कि चिली चीज़ बनाना है, तो फिर वो हमने बना दिया। तो ये देखिए डेकोरेशन तो अभी हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ़ सफाई नहीं की, अभी पूरा यहाँ पे भी बेड पे भी बलून्स वगैरह है, अभी वो थोड़ा सा काम करेंगे अभी, फिर उसके बाद करेंगे हम आराध्य का बर्थडे। तो चलिए फिर जब आराध्य का केक कट होगा तो मिलाती हूँ। और सच में बताऊँ तो बस कर रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए करना। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी डेकोरेशन करती है, और ये सारा काम तो आस्था ही करने वाले है, आस्था ही संभालती है ये सारा काम, तो वही कर रही थी। हेलो एवरीवन, तो यहाँ देखिए आराध्य की बर्थडे की ज़्यादा नहीं है, बस इसका दिल रखने के लिए जो भी हमने थोड़ी सी फॉर्मेलिटी की है, थोड़ा सा सेलिब्रेशन किया है। वैसे भी तबीयत क्या बेटा, वैसे तबीयत ठीक नहीं थी, अभी नहा के आ रही हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, नहा के आ रही हूँ। कपड़े देखिए मैंने इतने ज़्यादा कपड़े डाल दिए हैं, बल्कि बच्चे बोल रहे थे कि दूसरे कपड़े डाल रहे हो, मैं क्या नहीं ठीक है मेरे कपड़े। और यहाँ देखिए ये दोनों बैठी हैं, यहाँ पर बेड पर बैठी हुई है, और आराध्य हमारा यहाँ है, ये देखिए मेरा हीरो यहाँ है, और ये देखिए हाय हाय। ये रात को भी रेडी था कपड़े कपड़े पहन के, लेकिन रात को भी इसका बर्थडे नहीं मना पाए, तो बस अभी थोड़ी सी डेकोरेशन की है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं किया है, और बस केक काटेंगे अभी। और साथ में तो मैंने आपको दिखाया अभी चिली चीज़ बना के रखा है, मुझे बहुत है चिली चीज़ खाने के लिए, तो इसलिए चिली चीज़ बना के रखा है। आ जाओ तुम किचन में, मत भागो अब, तो पहले बलून्स तो लगाओ। तो बस अभी ज़्यादा नहीं करेंगे, बस ये देखिए थोड़ी सी डेकोरेशन करी, आराध्य का मन हो जाए खुश हो जाए, और आज दिन नहीं कर रहे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो फिर अभी भी हस्बैंड को कॉल किया था मैं कि आपने आना, तो वो बोले कि नहीं तुम करो, क्योंकि कहते शाम को ठंड हो जाएगी और फिर मुझे अभी ऑफिस में काम है, तो हम भी करेंगे अभी सेलिब्रेट। तो उन्होंने बोला मुझे वीडियो बना के भेज देना, और जो केक की पिक होगी वो भेज देना मुझे। ये देखिए आस्था लगी है इसमें इस काम में, और सच में बताऊँ हम इतने ज़्यादा परेशान है ना, ज़बरदस्ती लगे हैं आराध्य के लिए सिर्फ, हम इतने ज़्यादा है ना आस्था, मैं तो कुछ ये बोल रही है, ये मेरे साथ ही हॉस्पिटल में भी खड़ी, हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे ना हॉस्पिटल में, सच में बोलूँ तो ऐसे मन कर रहा है कि चुपचाप बस सो के रहना है, कुछ नहीं करना है। फिर आराध्य के लिए मैंने इसको बोला कि ऊँचा बेटा, मेरा मन नहीं था, मेरा मन भी ऐसे मन था कि मैं बिस्तर में रहूँ और सो के रहूँ, लेकिन फिर आराध्य के लिए उठना पड़ा। ये देखिए ये इतना खुश हुआ है ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खुश हुआ है कि हाँ मेरा बर्थडे कर रहे हैं। तो बस कैंडल्स लगा रहे हैं, बलून किसी के गए हुए आराध्य को, तो बस अब कर रहे हैं थोड़ा सा जो भी है, और ये देखिए लगा रही है अभी आस्था, इसको बुलाया मैंने कि आ जाओ फटाफट, और फिर मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा। तो बस अब हाय आराध्य, खुश हो? हाँ जी। हेलो, हाय, हैप्पी
हैप्पी बर्थडे आराध्या। थैंक यू। गुड बॉय, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है और रात को भी रोया नहीं बिल्कुल भी। नहीं रोया ना था ये बिल्कुल भी। इसने गंगा जमुना पर आदि अपने बर्थडे वाले दिन भी बेचारा बहुत परेशान हो गया था, तो एक भी इन दोनों को ही अकेले घर पे रहना पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ये। तो बस ये देखिए कितना खुश है, कोई इसको सरप्राइज नहीं रहा, यही कर रहा है खुद लगा इनके साथ, बोल रहा है ऐसे ऐसे करो मेरे लिए। हमने गिफ्ट तो कुछ लाया नहीं इसके लिए यार, बिना गिफ्ट के ही बर्थडे हो गया। गन दी तो थी, गन देती थी हाँ, पहले इसको गन देती थी, बबल्स वाली गन दी थी है ना, तो हम गिफ्ट नहीं लेके आए इसको, तो बस अभी बबल्स वाली गन हमने ले ली थी। तो अब देखिए हम कर रहे हैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट। तो ये देखिए बस कुछ इसी तरह से मनाया हमने आराध्या का बर्थडे, और थोड़ी सी खुशी के लिए
अपने सारे गम भुला देने होते हैं, अपने सारे दुख दर्द जो होता है। और सच में बताऊँ तो मेरे को काफ़ी पेट में दर्द थी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है और इनकी खुशी के लिए खड़े होना पड़ता है। और सच में बताऊँ तो हिम्मत भी इन्हीं से ही आती है, क्योंकि जब इनके लिए करना पड़ता है ना तो हम अपनी सारी दर्द और तकलीफ़ भूल जाते हैं। तो बस ऐसा था हमारे बेटे का बर्थडे, तो ज़्यादा कुछ नहीं था, जैसा भी था। और बस बेटे को बर्थडे विश किया और इसको थोड़ी सी खुशी देने के लिए और छोटा सा गिफ्ट लेके हम आ गए थे। तो ये देखिए खा रहा है अभी भी केक इसको, तो केक कटवा लिया है और इसको छोटी सी गिफ्ट हम लेके आए थे तो वो भी हमने दे दिया है। तो आराधे सोचे थे कि हमारे लिए गिफ्ट नहीं है, लेकिन ये तो मैंने परसों ही ला के रख दी थी, है ना, परसों आई थी ना आपका, मैं परसों ही ला के रख दी थी। तो बस क्या कर सकते हैं, वो एकदम हमको खुद भी पता नहीं चला। और ऐसी हो गई हमारे साथ कि हमको एकदम हॉस्पिटल बर्थडे मनाने की बजाय हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो बर्थडे हॉस्पिटल में ही हुआ कल। तो बस अब केक कट हो चुका है, थोड़ा सा हमने किया जो भी था। और आराध्या इधर आओ सामने, आप खुश हो ना, खुश हो गए आराध्या? हाँ, तो बस हमने इसका बर्थडे किया, क्योंकि ये थोड़ा सा रो रहा था, नहीं तो सच में बताऊँ तो हमने नहीं करना था, क्योंकि हम इतने परेशान हो चुके थे। लेकिन इसका मन रखने के लिए हमने बर्थडे किया, तो आपको अच्छा लगा ना। तो बस ये था हमारा, और बाकी अभी चिली चीज़ बना के रखा हुए खाएंगे, अभी केक कट करेंगे, केक खाएंगे। और मैं बोल रही हूँ इनको डांस कर लो, जो तुमने करना है कर लो, और जैसे भी है थोड़ा सा था जो भी था। तो बस वो आराध्य गिफ्ट जो क्या मिला है वो आराध्य बताएगा कि इसको क्या गिफ्ट मिला है। इसको आता हूँ देखो नीना, बस केक हमारा छोटा सा केक है, क्यों खोलनी है, चलो खोल के दिखा दो क्या है, दिखा दो इसको है जल्दी दिखाने के लिए कि हाँ दिखा दो, जैसे भी है दिखा दो। तो ये दिखा रहा है आपको गिफ्ट क्या मिला है, इसको क्या होना रहा था इसमें, आइडिया बोल क्या बोले इसने, देख लीजिए इसने कहाँ से, अच्छा यहाँ से खोल लेना। तो ये था छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आराध्य के लिए। बच्चे छोटी हो बड़ी हो, गिफ्ट कैसी भी हो, लेकिन बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और ये खुश था काफ़ी, बल्कि मैं बोल रही थी इसको कि बेटा मैं तुझे रुपीज़ दे दूँगी, तो बोलता नहीं मम्मा मुझे गिफ्ट चाहिए। तो ये थी हमारे आराध्य की गिफ्ट। तो ये था आराध्य के लिए गिफ्ट, और ये कब से मांग रहा था कि इसके पास गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है,
सब कुछ है लेकिन ये बोलता है कि मेरे पास ट्रेन नहीं है। तो सबसे मांगी थी इसलिए मुझे रेलवे ट्रैक वाली ट्रेन चाहिए। तो फिर हमने यही इसको ला के दी, बल्कि हम पहले गाड़ी चूज़ कर रहे थे लेकिन फिर गाड़ी भी हमको लगा कि इसके पास है, गाड़ी भी है और हेलीकॉप्टर भी है और क्या है डंपर भी है, तो फिर ये अलग सा टॉय था। इसके पास ट्रेन नहीं थी तो बस हमने ट्रेन इसको ला के दी गिफ्ट। और बस ये था छोटा सा गिफ्ट। और अब खाएंगे ये केक, खा लो अब केक। तो बस फिर प्लेट ला लो ना, एक मिनट स्पून से काट के दे देगी। तो चलिए फिर आज का जो अभी ये बर्थडे वाला व्लॉग था ये अभी यहीं तक। अभी चिली चीज़ भी बनी है, प्लेट में लेके आ जाओ उसको भी, चिली चीज़ को। तो अभी चिली चीज़ भी है और मैं खुद जाती हूँ, तो चिली चीज़ बन गया है। और चिली चीज़ के साथ साथ यहाँ देखिए बर्गर भी है और चिली चीज़ भी है। तो बस बच्चे चाहे तो बस बन चुका है सब कुछ। मैंने बोला कि चिली चीज़ खाना है तो मैंने ड्राई वाला बनाया। फिर शाम को और पहले आएंगे तो थोड़ी सी इसमें ग्रेवी डाल दूँगी और चपातियाँ बना लेंगे साथ में हम। बस ये देखिए, तो बस कुछ इस तरह से ही हुआ आराध्य का बर्थडे। और चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।